हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच, और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आरआरबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आरआरबी की आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद यहां किसी भी वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसे मैं चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जा रहा हूं, और चंडीगढ़ की जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा CEN 4/2024 पैरामेडिकल। जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 16 तारीख से फॉर्म ओपन था और फॉर्म इसके ओपन हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ 14/8/2024 को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चन है और उसके जवाब दिए गए हैं, जिससे फॉर्म फिलअप करते समय आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एफएक्यू पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ ओपन होगा और उस पीडीएफ में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप देखें इसको स्क्रॉल करके, तो लगभग अगर आप देखें इसको आखिरी में 61 क्वेश्चन आपके फॉर्म से रिलेटेड दिए हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है, आप मैच करेंगे, अगर वो क्वेश्चन मिलता है तो उसका आपको यहां पर जवाब मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, अगर इस चीज को हम लोग ऊपर चल के देखें तो यहां पे देखें नंबर 4, अगर आप देखें नंबर 4 एक क्वेश्चन से अगर आप देखें तो यहां पे लिखा है कि माय फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 16 सितंबर 2024, कैन आई अप्लाई। यानी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, यानी 16 सितंबर के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, तो क्या मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आंसर सिंपल यहां पर लिखा है नो, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है। आप फॉर्म तभी अप्लाई करेंगे जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से फिर, यानी इसका मतलब है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तभी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसी तरह से एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको बताऊं कि 16 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी। यानी आरआरबी में कह रहा है कि क्या हम लोग मल्टीपल एक से ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे नो, यू शुड नॉट मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी। एक ही आरआरबी में आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, विल बी रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन एंड विल लीड्स टू डिबार फ्रॉम द फर्दर एग्जामिनेशन टू आरआरबी एनआरएस। यानी एक ही आरआरबी में अगर एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये यहां पे लिखा गया, फ्यूचर के लिए भी डिबार किया जा सकता है। ठीक, तो इसी तरह से पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर आपको लग रही है तो आप इस क्वेश्चन को पूरे पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहां पे सारी चीजें आपकी डाउट, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फिर इसी तरह से जहां भी आपको अप्लाई करना, जैसे चेन्नई में आपको अप्लाई करना है तो चेन्नई वाले सिस्टम पे जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, और इसको जब करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा जैसा सिस्टम आपका कहता जाएगा उस हिसाब से आपको काम को करते जाना है। तो ये आपका रिलेटेड था, एफएक्यू से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।